मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मुंबई में मोर्चा निकाला गया है। इस वक्त मैं हूँ बांद्रा ईस्ट में, जहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के पास मोर्चा निकाला गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो मराठा आरक्षण को लेकर मोर्चा निकाला गया है, इस मोर्चे में लगभग जो है 70-80 लोग हैं, महिलाएं भी और साथ ही साथ में बच्चे भी इस मोर्चे में शामिल है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिले और सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण का केस चल रहा है वो फास्ट ट्रैक पे हो और उन्हें उनका अधिकार मिले। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो आंदोलनकारी है वो यहाँ अंधेरी कलेक्टर ऑफिस से, बांद्रा कलेक्टर ऑफिस से लेके मातोश्री तक जाने वाले थे, लेकिन उन्हें मातोश्री के बाहर जो है आंदोलन करने का परमिशन नहीं मिला, जिसे लेके ये जो है कलेक्टर ऑफिस के पास अभी जो है आरक्षण को लेके मोर्चा निकाले हुए हैं और इनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें आरक्षण मिले और जो उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उसे जो है कि फास्ट ट्रैक में किया जाए, जिसे लेके आज यहाँ पे मोर्चा किए जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग कम से कम 100 से 150 लोग जो है और आने वाले हैं यहाँ इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। जो हमारा हक का जो है वही हम लोग को चाहिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं और ये जो हम मांग रहे हैं वो जो दिया हुआ है वो मांग रहे हैं, हम क्या आज नहीं मांग रहे हैं, जो है वो हम लोग को दे, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। एक्चुअली क्या है, बहुत सालों से हम लोग 25 साल से आरक्षण मांग रहे हैं, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए इतने मोर्चे निकाला हमने, लेकिन कुछ नहीं हो रहा उसके लिए। इसके लिए हमने ये मोर्चा नहीं है, हिमाचल मार्च है, इसीलिए हमने मोर्चा निकाला नहीं है। एक मेरा सहकार्य करा, क्योंकि जल्दी से जल्दी आरक्षण देना चाहिए, इसीलिए बच्चे लोगों का नुकसान हो रहा है सर, इसीलिए हमने ये है। नहीं, एक्चुअली हम लोग शांति से निकालेंगे, अगर शांति से नहीं मानेंगे तो हम लोग मोर्चा निकालेंगे, फिर क्या होगा मालूम नहीं। मैडम, ये मोर्चा दिस इज बिकम, आज अगर आप बात करेंगे मराठा क्रांति मोर्चा, मराठों का अधिकार, इसके ये एक ही वजह है ये मोर्चा निकलने की, हमें हमारा अधिकार, हमारा आरक्षण, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है, इसके लिए ये मोर्चा निकाला जा रहा है। सर्व मराठा बांधवों ने विनंती करते हैं, जैसा महिलाएं जी अभी तक जितने मोर्चे हुए हैं उसके अंदर हमारी मांग हमेशा कायम रही है, हमें हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए आरक्षण चाहिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए, एट्रोसिटी के कुछ कायदों में हमें फेरबदल चाहिए, ये हमारी मांगे बहुत ही क्लीन है और पहले से यही है, इसके अंदर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ नहीं है, तो यही बातों पर हमारी मांग है और इसी से हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। सरकार ने हमें आरक्षण दिया भी था पर किसी कारण स्तर ये आरक्षण टिक नहीं पाया है, रह नहीं पाया, स्टे आ गया इसके ऊपर, तो अब जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक किया जाए सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय, जो आज डेट पे डेट गिरी जा रही है इसको फास्ट ट्रैक किया जाए और हमें हमारा आरक्षण कायदे में रहकर जो आरक्षण मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए हमारे बच्चों के फ्यूचर्स के लिए। HM न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा की रिपोर्ट।